नमस्कार, मैं अनूप टोनी, स्वागत करता हूँ आपको क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। सीआईडी है बे? हाँ, सीआईडी के एक नए एपिसोड में। आखिर कौन है ये शख्स जो इतना हड़बड़ाहट में क्या डाल रहा है ऐसा? जानने के लिए देखते रहिए सीआईडी का ये एपिसोड मेरे साथ। नमस्कार। हम कसा है गोरी हम तोरे घर क्या हुआ मालिक? मालिक, अरे मालिक हो गया ना राजू। कहाँ गया राजू? पता नहीं कहाँ चला गया। अरे रो मत, मिल जाओ। ए मालिक, काम वाली सीला ठंडा हुआ। पुलिस को फोन लगा दे भाई। पुलिस? पुलिस क्या करेगी इसमें? अपन सीआईडी को बुलाएंगे, आखिर राजू की जिंदगी का सवाल है। अभी लगा रही है सीआईडी को फोन। कौन हो बे तुम? सीआईडी। सीआईडी? टीवी में तो बड़े अच्छे लगते हो। अभी का सुअर लग रहा है? ना ना, तुम लग नहीं रहे हो, तुम हो ही। दया क्या बोल रहे है तुम्हारे बारे में? अबे सुतरी के, मुझे ना तुझे बोल रही है, तू 5-5 दिन नाता नहीं और मेरा चश्मा निकाल के दे। केस दिखाओ जल्दी। अरे और दया, तू सबके सामने बोल देता यार भाई, तू समझ बोला यार। तू भी तो मेरी बेंचे निकाल रहा है। हाँ भैया, क्या परेशानी है तुम्हें? इतना क्यों रो रही है यार तू? अरे सर, अरे सर, के इतना सुर लगा के गा रहा है, इंडियन आइडल में भिजवा दूं ना मैं तुझे? चल या नागमणी लेके जाएगा। सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, राजू पता ना कहाँ चला गया सर, सुबह से ना मिलता, बस यही दिक्कत है। और तू कौन है बे? मालूम इस बंगले का सबकी खबर रखता हूँ। अबे शाले, तुझे और कुछ काम ना? अबे कूना है, बहुत काम है। तुम्हारी झंझट के बाद बाजू वाली भाभी को तो अड़ना है। साले असलील, इतना तो हमारा अभिजीत तारिका को भी नहीं ताड़ता, तू भाभियों को ताड़ रहा है। अब वो तुम दया, ये केस सोल्व भी ना होगा, मैं बता रही हूँ। मुझे भी यही लग रही है। मैं तो एक काम करते हैं अपन, कि ये माची है ना, इस पे शक जा रही है मुझे तो भाई, इसके होठ दिख रहा हो, इसे मुंह में लेके आ रही हो। क्या बात कर रहा है? अच्छा, सिगरेट की बात कर रहा हूँ, नशेड़ी लग रही है मुझे, इस पे डाउट जा रही है मेरा तो। आओ चल देखते हैं। अबे सालो, तुम्हारे बस की ना है, तुम्हारे बड़े सर को बुला लो। तू ही बन जा सीआईडी, सुतरी का शिकारी है, चल निकल। अबे सालो, मैं जा तो रही हूँ लेकिन मुझे पता है तुम्हारे बस की ना है कुछ भी। अरे अभिजीत, बड्डे को फोन तो लगा, कहाँ है सालो? उसको ही लगा रही हूँ फोन, रुको अभी। हेलो। हेलो एसीपी सर, कहाँ हो? बाथरूम में। ओहो सर, बाथरूम में? कमजोर हो जाओगे, ज्यादा मत रहा करो। अबे साले, तुम्हारे जैसे समझ के रखा क्या? मेरे पास मेरी खुद की पर्सनल लोग आई है। अरे वो तो रात में ज्यादा मूली खा ली थी इसलिए आ रहा हूँ। अरे सर, मौका है वारदात पे तो आ जाओ, केस ही सोल्व ना हो रही है इधर तो। हाँ तो ठीक है, पिकअप करने तो आओ। गाड़ी से आ जाओ लेने, तेरे बाप ने दहेज में दी थी। अबे बुड्ढे चुपचाप आ जाओ ओला फोला से। दया, ये केस ना होने वाला सोलो गल से, मैं तो बता रही हूँ, मेरे समझ में ना आ रहा कुछ क्या करे। वही तो बात है। अरे यार अभिजीत, तूने क्यों बुला लिया इसको? साला ये प्रद्युमन नहीं, प्रदूषण है, प्रदूषण। हाँ यार, नाक के बाल जला दिए। अरे सर, सर कुछ भी समझ में ना आ रहा इस केस में, करे तो करे क्या? सर मेरे ख्याल से ना अपन को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। नहीं दया, नहीं, तुम गलत हो। मुझे लगता है हमें इन तहकीकात करनी चाहिए। हो
अरे सर पोसी देते रहोगे, कुछ ढूंढ डाल लो। मेरा कद्दू ढूंढे, मैं कह रही हूँ इस केस में कुछ दम ना है बेटे, बंद कर दो इसे। दम तो ना है अला बुड्ढा। सर ये फॉरेंसिक लैब में भेज दूँ, ये मौका वारदात पे मिली है मूली? नहीं अभिजीत नहीं। तो क्या कर रहे सर इसका पर? इसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाए। साला बुड्ढा आ जाता है सस्ती डाई लगा के। दया हमको ये मूली मिली है मौका वारदात पे, इसको फॉरेंसिक लैब पे जानी है। भेजा दो यार, भेजा के आता हूँ। ये गई मूली फॉरेंसिक लैब। अरे सर मुझे कुछ इस केस में समझ में ही नहीं आ रही है, हो क्या रही है, क्या चल रहा है, कुछ ना समझ में आ रही है मुझे। करे तो करे क्या पर? बेटा अभिजीत मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस केस में दम ना है, और अभी बोल रहा हूँ इसमें कुछ भी ना है, इसे बंद कर दो। दया 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 दरवाजा तोड़ना। कौन सा तोड़ना है? चलो गेट के भूखे। वैसे दया तुम्हें लगता क्या आप करना क्या चाहिए? सर मेरे ख्याल से ना अपन को बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। नहीं दया नहीं, मुझे लगता है हमें बाहर जाकर इन्वे तहकीकात करनी चाहिए। नहीं कह रहा था, आप नहीं कह रहा था। चलो बाहर।